अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कराची का चांडी, एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ। यार, ये इंटरव्यू करने से पहले मैं आज आपको एक शेर सुनाता हूं, मैंने लिख लिया है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा 21 साल के एक ऐसे नौजवान बॉडी बिल्डर के साथ, जिसको देख के मैंने जब टिकटॉक पे उसकी पहली दफ़ा वीडियो देखी थी ना यार, माशाल्लाह से मज़ा ही आ गया था यार। क्या शानदार बॉडी बिल्डर है, हमारे नॉर्थ नाजमाबाद में जिम में वो एक्सरसाइज करता है। हम लोग ने यहाँ चाय पिए पीछे, और अब हम लोग चलते हैं। चले साइम भाई, चलो आओ जी। जिम कौन से फ्लोर पे? फोर्थ फ्लोर पे। साइम, लिफ्ट में शीशा भी लगा हुआ, तस्वीरें टाइट आती है ना, ऊपर चल रहे हैं अभी, आपको मिलवाते हैं बॉडी बिल्डर के साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाजन, ये जिम है। और बच्चा जो है ना, 21 साल का बच्चा है यार, आप यकीन करें, सुहेब शेख उसका नाम है। आओ पीछे आओ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, नेचुरल है, नेचुरल 21 साल का बच्चा, नेचुरल। आ जाओ आ जाओ जोएब भाई। जोएब भाई, ब्रेक 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 ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जोएब भाई? ठीक ठाक हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। जोएब भाई जी, भाई छोटी सी उम्र, 21 साल के, नेचुरल, हम कैसे माने? अब जो लोग मतलब नहीं मान रहे, मैं आपको मतलब ये बोलता हूँ कि आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, चलते हैं। जो आप डॉक्टर बोलोगे वहाँ हम लोग टेस्ट करवाते हैं, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई लड़का कह रहा है हम भी यहीं और आप भी यहीं, टेस्ट करवा लेते। जुहेब शेख टिकटॉक पे बहुत ही मशहूर हैं, एक इनकी वीडियो वायरल हुई थी। जब भाई आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो जिसमें आपने अपनी एक स्टोरी बनाई थी, बचपन से कैसे थे, क्या थे, यार वो सिलसिला बताया ना, बड़ी खूबसूरत वीडियो है। वीडियो चल रही होगी आपके साथ जी अहमद भाई, मतलब वो वीडियो 1.5 से 2 मिनट की होगी मेरे ख्याल में, तो मुझे याद है आज से। मैं रात में मतलब वो स्टोरी आपको मैं बताता हूँ कि शौक चढ़ा, घर में होते थे, डंबल करते थे, 2-2 kg वाले डंबल होते थे, लगे हुए, मतलब उस टाइम पुशअप्स वगैरह घर में लगाते थे, जो और फिटनेस वाला है नहीं, कोई नहीं था। तो हुआ ये, एक दिन जिम गए, जिम वाले, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, जिम वाले ने मतलब एडमिशन दिया और बोला वेट नहीं उठाना। अच्छा, से हम छुप छुप के वेट उठाते अच्छा। थे, ये मुझे बात आज भी याद है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा जिम से, छत भी नहीं होती थी मुझे याद है कि 16 साल के होते थे जी जी जी, जब मैं 16 साल का होता था पैदल जाता था, बाइक भी नहीं होती थी, वो भी नहीं होती थी, साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल जाता था, चल के दूर होता था जिम। तो उस टाइम मैं जाता था, वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं था, मतलब कोई ट्रेनर हायर नहीं करा हुआ था मैंने। क्या करते, हायर भी करते तो कैसे करते, वही अफोर्ड नहीं कर सकता था, पॉकेट मनी इतनी नहीं मिलती थी, बस लगे हुए करते रहे। और मुझे आज भी याद है अहमद भाई, सर सैयद में ना छत नहीं होती थी, तो बारिश हो रही है, घर से तैयार नहा धो के गए, बारिश हो रही है, वर्कआउट कर रहे हैं, बेंच गीली हो रही है, इसमें से मतलब बहुत पानी निकल रहा है, शूज़ गंदे हुए हैं, लेकिन शौक था और करता था भाई, और अल्लाह पाक ने आज सिला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पाकिस्तान, हमारे कराची में ऐसी भी मोटिवेशंस मौजूद हैं और ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं। मेरे से तो बहुत छोटा है और मैं इसको बच्चा ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि 21 इज़ नथिंग, और 21 में भी इस बच्चे ने ऐसी खूबसूरत बिल्ड बनाई हुई है, आप यकीन जाने दिल खुश हो रहा है यार कि नेचुरली ऐसी बॉडी बिल्ड करना। सर यकीन नहीं करेंगे लोग, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए कि डाइट का क्या हिसाब किताब रहता है? अच्छा एक सेकंड, पहले क्या डाइट लेते थे जब वो वाले दौर में? तो मतलब जो होता था घर का मिल रहा है, खा लिया पी लिया, जो मतलब घर वाले पे वो नहीं करते थे, क्योंकि पॉकेट मनी इतनी होती थी, प्रोटीन नहीं ले सकते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लोग नहीं बोलते थे क्यों जिम जा रहे हो? मतलब लोगों का तो बहुत मतलब मुझे बहुत मतलब घर पे आके बोलते थे, मेरे भाइयों को बोलते थे, मेरी फैमिली को बोलते थे कि इसकी हाइट उठ जाएगी, इसको मना करो। और जिम में भी लोग बोलते थे कि मैं उस टाइम भी माशाल्लाह वेट मतलब अच्छा खासा लगाता था, वेट नहीं उठाया इंजरी हो जाएगी, सुनता था यहाँ से सुनता था निकाली बात, बोलने दो। आज वही लोग मुझे मतलब बोलते हैं यार माशाल्लाह तुमने इतनी अच्छी फिजिक बना ली, और टिकटॉक पे दिख रहे होते हो, वीडियो आ रही होती है फॉर यू पे, हर बंदा मतलब रुक के भी मुझे बोलता है यार आप वही हो ना जुहेब शेख जो मतलब वीडियोस वगैरह में, जुहेब शेख टू जी बिल्कुल राइट। तो ये वाली बात है, बचपन में तो बहुत हेट में मतलब हर कोई बोलता था कि इसकी हाइट रुक जाएगी, मना करो उसको जिम, लेकिन मुझे एक शौक था, मैं जाता था, सुनता ही नहीं था किसी की। जुहेब भाई, हेटर्स आर द मोटिवेटर्स, जवाब नहीं देना कभी भी किसी को, नहीं देना, सही बात। और मेरी ज़िंदगी में एक असूल है मैंने बनाया हुआ है कि मैं किसी को जवाब नहीं देता पलट के,
और बस जो मुझे करना होता है वो मैं करता हूँ। लोग बोल रहे हैं उनकी मतलब यहीं से दोनों और यहीं से निकाल दो, यहाँ भी आने नहीं दो। मैं बोलता हूँ इधर से इधर तक गुजरते गुजरते आपको परेशान कर देगी, बस यहाँ से सुनो और निकाल दो, खत्म हो गई। डाइट का क्या हिसाब किताब है? डाइट का तो ये हिसाब किताब है अहमद भाई के, मतलब सुबह मैं उठता हूँ, इस तरफ कैमरे की तरफ आएंगे जी, सुबह मैं उठता हूँ अपना एग वाइट लेता हूँ, सही है, योग के साथ भी लेता हूँ, ओट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, और बाकी थोड़े बहुत मतलब वो हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, ये मेरा मतलब ये फिक्स डाइट रहती है, ये फिक्स डाइट रहती है घर में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कभी अच्छा मतलब नाश्ता होता है ना हलवा पूरी, वो नहीं खाता मैं, यकीन करें नहीं खाता। कैसे रोकते हो? शौक है ना, मतलब सुबह फिक्स 7:30 बजे उठ जाता हूँ। जुनून की हद तक इस बच्चे को शौक है माशाल्लाह से। अभी ना इन्होंने मुझे आते वक्त एक बात बताई थी, ठीक है, और ये बताई थी शादी के खाने वाली कहानी, बताया जरा क्या था? मतलब कज़न की शादी थी उस टाइम, तो मुझे डाइट करनी थी अपनी, मैं चीट कर नहीं सकता था, मैंने कर ली थी अपनी ना, तो मैं अपनी बॉयल राइस और बॉयल चिकन शादी में लेके गया था। वो बोला भाई क्या कर रहा है शादी में, और वो जो सारा खाना लगा हुआ था नहीं खाया, दूसरों के लिए, हमारे लिए बोले, हमारे लिए बोले। वेरी वेरी नाइस, यकीन नहीं आता यार, इतना ज़्यादा शौक भी इस, और शौक भी ऐसा कि सेहत वाला शौक, शौक भी ऐसा कि जिसमें एक दफा लत लग जाए ना वो जिम से जिम छोड़ नहीं सकता भाई, ऐसा ही है बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ मतलब जो ट्रेनर है उससे पहले पूछ लें, कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले एक बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, 2-2.5 साल पहले, नहीं 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 बहुत पीछे चलेगा आप, मुश्किल से 6-7 महीने हुए होंगे इस बात को, उस टाइम बारिश हुई, मैंने जिम तो खुला हुआ था कि सुबह लेडीज़ का होता है वो तो खुला हुआ था जिम, पानी इतना इतना भरा हुआ था, बाइक ली और निकल गए, पहुँचा हूँ जिम, वर्कआउट अपना करा, फ्लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ करी हमने जिम भाई, थोड़ा नहीं मैंने। कभी कभार तंग हो जाते होंगे घर वाले, भाई ऐसा भी क्या शौक है, ऐसा भी क्या जुनून। हाँ एक बात बता दो ना, मज़े की बात, इस बच्चे से मेरी बात हो रही थी तो ज़ुहेब भाई से मैंने कहा, ज़ुहेब भाई एक बात बताइए एजुकेशन का क्या सिलसिला है? भाई ने बोला मैं सेकेंड ईयर कर चुका हूँ, मजीद करियर मैं और भी परस्यू कर चुका हूँ। वो क्या कर चुके हैं वो ज़रा इनको बताते हैं। जो भाई जी फिटनेस को अभी तक कोई प्रोफेशन नहीं समझता पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर ली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद भाई, मतलब अगर आप किसी को बताओ ना कि ये ट्रेनर हो तो बोलती है वो तो हो कमाल, मतलब और क्या करते हो, और क्या करते हो, अभी की नौकरी है ये। मैं ये बता दूँ आपको, पढ़े से पढ़े लिखा बंदा, आप सभी को, आप सभी को पता है कितना भी पढ़ा हो 40,000 से 45,000 रुपये आपको दे देंगे, 50,000 रुपये दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस पढ़े से पढ़ा लिखा, जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको तो बेचारे को धक्का खा रहा है जो हकीकत है। और इस फील्ड में आप थोड़ा सा ठहरो, ये नहीं कि आपको फ़ौरन पे मिलेंगे, आपको फ़ौरन मिलेंगे, टाइम थोड़ा सा टाइम दो, आप इसी में अपने स्किल्स दिखाओ, आप इसी में, मैं बोलता हूँ 1-1.5 लाख रुपये कहीं नहीं गए, आप कहीं नहीं गए। देखिए सर सिलसिला ये है, सुहेब भाई हम जब तक किसी को रिजल्ट नहीं देते हमारे पास क्लाइंट नहीं आता, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो टाइम लगता है ये भी वही आता है कि हमने किसी को रिजल्ट दिया, किसी ने हमारे रिजल्ट्स देखे और फिर हमें चूज़ किया, ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो भाई ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, और जो मतलब डाइट प्लान होता है उसके भी मैं चार्ज करता हूँ पैसे, सही है सर, डाइट प्लान प्रोफेशन जो यही है, मतलब फ्री में नहीं बनाते, दे नहीं सकते सर, क्या करें, कमाई यही है ना, रोजी रोटी भी यही है ना, रोटी यही है। अब बहुत सारे लोग मुझे भी इनबॉक्स कर रहे होते हैं, सर हमारे जिम में आ जाएं, हमारी वीडियो बना दें। ये एम्पायर मैंने ऐसे तो नहीं बनाया, मैंने जो तुम्हें बताया कि मैं 2016 से वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने दिन रात धक्के खाए, ये बातें मैं बताता नहीं हूँ ना, मैंने कभी बोली हैं, ठीक है, लेकिन यार मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मैं अगर कहीं जाऊँ और फ्री में जाऊँ, मेरा सर यही तो कमाई है मेरी भी, तो मैं इसकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ ज़ुहेब की, कि ज़ुहेब ने जो मेहनत की है 6-7 साल दिए, बातें सुनी सब किया, इसकी यही रोज़ी रोटी है। ज़ुहेब भाई जी भाई, लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, लड़के ने छुपाया क्या हुआ है, 16.5 इंच का बाजू लिया हुआ है, माशाल्लाह से फैट है ही नहीं, अंदर दिखाएं तो सही, पीछे से आज शीशे में दिखाते हैं, शीशे में देखेंगे भाईजान को कि हमारे ज़ुहेब भाई चीज़ हैं क्या। ओए होए 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 होए, बैग देख रहे, आने दो ज़ुहेब भाई डबल बाइसेप्स, माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ज़ुहेब भाई माशाल्लाह से, ज़ुहेब भाई तक जाओगे ना, वार्म अप किया हुआ है और हम इसके ज़ुहेब से ना खाम खाम में फ्लेक्स करवा रहे हैं। ज़ुहेब भाई, यंग जनरेशन जो आपको देख रही है उसको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मतलब जो सोचती है यही कहना चाहूँगा, आजकल मतलब बच्चे जो मेरे सभी छोटे भाई बड़े भाई हैं वो सोचते हैं कि मतलब स्टफ़ ले लें या
प्रोटीन ले लेंगे उससे बॉडी बन जाएगी। ईगो लिफ्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? ईगो लिफ्टिंग के बारे में ये कहूँगा कि जब तक आपका ट्रेनर नहीं है आपके साथ, आपको पता नहीं है, तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब इंजरी एक दफ़ा हो जाती है ना तो आप लंबा गए। लंबा गए फिर? लंबा गए 7-8 महीने से। अब असल में मसला ये है, अगर ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना लास्ट सेट में, तो हमारा मसल मतलब कनेक्ट हुआ हुआ होता है। अगर हम ईगो भी कर रहे हैं ना तो वो हमारे मसल पे ही आ रहा है, तो ये वाली बात है जी भाई। हाँ, हमारी बात रहेगी शॉर्टकट। बच्चे सोचते हैं इस गेम में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, टाइम अपना लोग अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। बिल्कुल, मैं तो फिर भी 6 साल दिए हैं लोगों की, 10-10, 20-20 साल की मेहनत होती है, तो ये 6 महीने में कौन बना रहा है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। 6 महीने में कौन ऐसी बॉडी बनवाता है ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती। बहरहाल, जुहेब का पैशन, हमारे पाकिस्तान का 21 साल का ये जवान हीरो हमारा किस जुनून के साथ एक्सरसाइज करता है, कैसे कैसे अपनी बॉडी को लेके चला है, देखने वालों के लिए यकीनन आज की वीडियो बहुत मोटिवेशनल रही होगी। ऐसे और भी मज़ीद हीरे हम ढूंढेंगे, उनको दिखाएंगे और आप लोग को बताएंगे। हमारे मुल्क में भी बहुत टैलेंट है पुत्र। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।